अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जी ब्रेडफोर्ट में, पर्ल्स में। वहाँ पे हमारे जो है मीट एंड ग्रीट है हमारा, तो जाके तो फिर दिखाएंगे आपको कि कैसा रहा हमारा वहाँ पे मीट एंड ग्रीट का। देखो कि सोनी लगती मेरी माशाल्लाह। और ये देखें, ये मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है जो मुझे लीना ने दिया था। देखो किड्डा सोना लग रहा है, माशाल्लाह पाया है पिंक। और मैं, तूबा, रोहमा और रोहमा का बेटा जो है, हम सब जा रहे हैं पल्स पे। और आज बाहर का वेदर चेक किया जाए। खिड़की खोल के दिखाऊं आपको? ओ देखो मज्जां गाइयां जे। ओ थे रात को बड़ा नेरी तूफान आया रहा, बड़ी ठंडी हवा चलती रही है। और देखें इस टाइम तो चलें, खिड़की को करते हैं हम बंद और नीचे चलते हैं। तो ये देखें लीना उतरती हुई जा रही है मोरनी की तरह। ओ गई जे, तुसी दियां स्पीटा चेक करो जरा। ये लो ये लो, ये ऐसे मिलता है, खट्टा ऐसे मिलता है, बना बनाया। वाह, ऐ गया जे खट्टा ते एक ऐ गया जे। कैंडी कैंडी बेबी कैंडी, वे कैसे पासे परतदी पई है, इत्थे बह के है पलसेटियां मारदी पई है। ये ले जी, मजे कहंदियां मजे के गोल गप्पे, पर मेरी दौड़ दे जा खट्टा लगे आई है है गोलगप्पे चोर। खा रही है मजे से गोलगप्पे, मजेदार है ना, जबरदस्त जबरदस्त। खाओ खाओ जी, खाओ। आ रही है, आ रही है, तुझे कहो फिर मैं तेरे नाल ज्वाइन करनी है। और मैंने कहा लंच करके यहाँ से जाते हैं फिर पल्स में जाके। बहुत मजे के बने हैं जी गोलगप्पे, हम ऊपर तैयार हो रहे थे। ये देखें तू बाला सूट पहना हुआ, मैंने बड़ा नाइस लगा। हाँ नहीं, सूट तेरे सूट करता माशाल्लाह। हाँ आज हम ये पहन के जा रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह। पहले मैं पानी से मारिया अभी। हाँ ये देखें जी, ये है पर्ल्स, यहाँ पे आए हैं हम आज। तो चलें चलते हैं अंदर, और अंदर चल के फिर मिलते हैं आप सबसे। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जी हमारी हुई एंट्री, ते बस कैमरे फड़ के सारे सामने खलोते सन हमारे इस्तकबाल में। तो ये फूल भी पड़े हुए थे, यहाँ पे एक भाईजान बैठ के म्यूज़िक बजा रहे थे। तो ये सब तैयारी जो थी ना, ये मेरे इस्तकबाल के लिए की गई थी। तो बड़ा ज़बरदस्त था जी पर्ल्स होटल जो है, रेस्टोरेंट। और ये देखें डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये जितनी भी डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है, ये जो पेंट नज़र आ रहा है, ये जिनका रेस्टोरेंट है ये उन्होंने खुद किया हुआ है। खुद पेंट भी खुद किया है, सारी डेकोरेशन भी खुद की है, और जो रेसिपीज़ हैं ये भी उनकी अपनी है सारी, कि वो खुद बनाते हैं। जो उन्होंने हमें खाना भी आगे आप देखेंगे, जो हमें उन्होंने सर्व किया, उन्होंने हमें बताया कि ये सारा वो खुद तैयार करते हैं। तो वहाँ पर देखें पीछे वो जो टेबल साफ़ हो रहा है, वो हमारे लिए हो रहा था। और यहाँ पर हम बैठ के वेट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी जो ज़बरदस्त व्यू वाला है ना टेबल, इनको वो दिया जाए ताकि हम वहाँ पे बैठ के अपनी अच्छी सी वीडियो बना सकें। तो माशाल्लाह काफ़ी बिज़ी था, काफ़ी रश था, अभी लोग और आ रहे थे। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के ओनर थे, उन्होंने हमसे बात की कि आपने मेन्यू में से फ़ूड ऑर्डर करना है या हम अपनी मर्ज़ी से आपको सर्व करें जो हमारी सबसे मज़ेदार चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि चलें आप अपनी मर्ज़ी से हमें सर्व कर दें। इधर देखिए, तो यहाँ पे जी फॉलोअर्स आ गए हैं बाजी को मिलने के लिए। इनको मैं जानती हूँ, ये ग्लासगो में है, तो ये ग्लासगो से यहाँ पे आई है, जो जैसे हॉलीडेज हैं तो मैं मिलती हूँ, रहती हूँ इनको ग्लासगो में। और सबसे पहले उन्होंने हमें फ्रेश जो है ऑरेंज जूस सर्व किया, जो कि बहुत ही मज़े का था। उसके बाद यहाँ पे थी ये लैम चॉप्स, ये भी बहुत ही मज़े की थी और बड़ी सॉफ्ट थी।
और अभी तो हम ये खाएंगे और इसके बाद देखें किस चीज़ की बारी आती है। तो उन्होंने ख़ुद आके सबकी प्लेट में सर्व किया, साथ में सॉस थी और बहुत ही मज़े की कुक हुई हुई थी। ऐसी सेम इसी तरह की चॉप्स जो हमने काया लाउंज पे खाई थी और उसके बाद मैंने ये पर्ल्स में खाई। ये देखें और ये हैं जो हमें सर्व कर रहे हैं। थैंक यू। और यहाँ पे जिन्होंने हमें मसाला फिश जो सर्व की थी बहुत ही मज़े की थी, और इनकी स्पेशल सॉस भी थी अपनी, जो इनकी अपनी रेसिपी थी चिली सॉस की, बहुत ही मज़े की थी वो भी। तो ये देखें जी इस तरह से सबको उन्होंने सर्व की। अच्छा तो ये कौन सी है? फ्राइड फिश आ गई आपके पास? ओके मैंने फ्राइड फिश एंड चिप्स। ओके ओके हाँ ओके 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 ठीक है ले आए चले जी। पहले आपने मसाला फिश ट्राई किए? हाँ जी नॉर्मल फ्राइड फिश। थैंक यू। ये डिफरेंट फ्लेवर में बर्गर है। ओके मिडनाइट बर्गर, मैक्सिकन बर्गर, ओके पेरी मैक्सिकन बर्गर एंड अगेन मिडनाइट बर्गर। नाइस है, चलें भाई ले आए। और यहाँ पे जी ये चिकन स्ट्रिप्स थी, ये भी बहुत मज़े की थी और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी इन्होंने की। और बस डिश के ऊपर डिश इन्होंने पेश की, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी और माशाल्लाह सारी डिशेस एक से बढ़कर एक थीं। और एंड पे फिर इन्होंने हमें डिज़र्ट जो था वो सर्व किया। रोमा का बेटा भी हमारे साथ गया हुआ था, माशाल्लाह सब ने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे साथ में ग्रीन टी भी थी। एक्सीलेंट और फूड तो औसम है माशाल्लाह, जबरदस्त है। और मैं कभी भी ब्रैडफोर्ड में आके मतलब कि इतना बाहर नहीं निकली, यहाँ पे बाहर के रेस्टोरेंट ट्राई नहीं किए, पर ये जो था पर्ल इसका बहुत ही मज़े का था सारा खाना। मतलब कि मैं कहूँगी कि बेस्ट था ये, बेस्ट इनका जो था फूड वो भी बहुत मज़े का था, जो डिज़र्ट था वो भी बहुत मज़े का था, और हम सब ने इंजॉय किया माशाल्लाह से। तो अब हम पियेंगे एंड पे और खाना बहुत अच्छा था इनका, डिजर्ट भी बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह से, और ग्रीन टी भी बहुत मजे की। जरूर आए पल्स में और आके जरूर ट्राई किए। सब ठीक था माशाल्लाह, सब बहुत मजे का था, बहुत मजे का सारा कुछ। और ये थे जी मेरे फॉलोअर्स जो आए हुए थे मिलने के लिए। और ये बच्चा मेरे लिए जो है बड़ा प्यारा सा कोई गिफ्ट लेके आया था, जो कि वो लेने जा रहा है अपनी गाड़ी से, और फिर देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे जो ऑनर थे उन्होंने साथ में मुझे ये गिफ्ट दिया फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे ये देखें इसकी हो रही है पैकिंग, बहुत ही मज़े के थे। खैर मैं तो मीठा इतना खाती नहीं, बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, पर मेरे बच्चों को ये बड़ा पसंद है। तो मैंने बहुत थैंक यू किया, शुक्रिया इनका कि इन्होंने इतनी मेहमान नवाजी हमारी की, और साथ में फिर जो है हमें गिफ्ट भी दिया बच्चों के लिए। तो बच्चियाँ दियाँ तो मौजा, बच्चियाँ ने तो उन पागल हो जाए ना इन्ना मीठा देख के। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, स्टाफ भी इनका बहुत अच्छा था, सब ने जो है बहुत हमारा ख्याल रखा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप नॉर्थ की साइड पे आएँ, स्पेशल अगर आप ब्रैडफोर्ड में आएँ, तो पर्ल्स में ज़रूर आएँ। तो मैं इंशाल्लाह अब जब बच्चों के साथ और वसीम के साथ आऊँगी तो यहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे,
क्योंकि जब आपको कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी मिलती है ना, तो आप उस जगह पे बार बार आते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा नन्ना सा फ़ैन अपने जितना एक बूटा पकड़ के खड़ा हुआ था, ये मेरे लिए लेके आया था जी। उसने कहा ये जाके आपने अपने मनी प्लांट के साथ रखना है। तो बस यहाँ पे मैं इस बच्चे से यही कह रही थी कि इसको इंशाल्लाह मैं जाके अपने मनी प्लांट के साथ रखूँगी, और आप दुआ करना कि इसको मैं खैर से ट्रेन पे अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि ट्रेन पे सफ़र करना हो तो चीज़ें साथ उठानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। गाड़ी में जाना हो तो फिर तो भावें जितना मर्जी सामान तुसी ले जाओ, है ना। तो बस जी अब हम निकले यहाँ से प्रेजेंट्स के साथ, गिफ्टों के साथ। तो देखें बड़ा अच्छा गुजरा माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे टाइम। इस तक बाला सीना कोई ख्वाब ख्याला सी, तेरी फुला वाली से जिस जेवा जे दीपल्स विच तू आवे। तो अब जी हम जा रहे हैं घर, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। हाँ फरा की तरफ जा रहे हैं, फरा हम बताएंगे कि कौन है। तो बड़ा अच्छा रहा इसका, हमारा बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। और तो यहाँ पे आए जी हम फरा के घर, ये जहाँ पे हम गए थे पर्ल्स में, ये उन्हीं की फैमिली है, उन्हीं का मतलब के एक ही फैमिली है। तो यहाँ पे भी जो है बड़ा अच्छा लगा आंटी से मिलके, फरा से मिलके, फरा का बेटा माशाल्लाह बड़ा प्यारा था। तो ये देखें यहाँ पे भी हमारी जो है खातर मदारत हो रही थी, पर हम फुल थे, हमारे पेट में जगह ही नहीं थी। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे भी मिलके। जी हम जा रहे हैं रोहमा के घर वापस, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, और मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह। खूबसूरत सीन होता है ये, खूबसूरत सीन देखिए, मरी वाला माहौल है जी, रोड कितना तंग जे, इथों ही लंघ के जाना जे, एक ही गाड़ी जा सकती है, सामने जड़ा आया उन्हें वापस जाना पैना है। और ये देखें जी हरियाली, मजा गाइयां इस टाइम नहीं है, बंद कीतियां पईयां ने उन्होंने, हां नहीं दूसरे पास होनी दूसरे फार्म से। ये देखो हम गाड़ी चला, साथ जी एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है जो कि पाकिस्तान में उनके गानों ने धूम मचा दी है। तो मुझे लगता है कि उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप खुद देखे मैं साइड पे होती हूँ। ये देखे कौन है, कैफी खलील, how are you कैफी खलील, I'm chilling, you tell me, I am fine thank you। तो देखे जी जरा आप सीधे के बैठेंगे, मतलब क्यों बने हुए। Yeah, apparently I look like this cafe Khalil Donnie, but Mans was here eating my ice cream and that, you get me? My colour bare nagging me though. See my hair, Gucci Mucci, whatever that means. This is waffle, yeah. But apparently I look like some... Wow! You don't understand though. Anyways, everyone add my Snapchat. Hey, my nephew, Roma ka beta, mashallah se. Dekhen, bilkul Kaifi Khalil jaisa lagta hai. बस गाने नहीं इन्हू गाने आते, बाकी ये सारे फंक्शन कैफी खरीद वाले सर से लेके पाऊं तक। और ये हाइट में माशाल्लाह जरा ज्यादा है, ठीक है, शहजादा पुत्र है जी साडा माशाल्लाह। ट्राई नहीं शॉट 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 तो कुछ ला दे ले ओदे ऊपर पांच शॉट करा दे नहीं इंडियां नहीं ना मेरे पास। देखे पेन इस पेन की मदद से वहां से उसको ऑन करते हैं, फिर वहां से उसको ऑफ करते हैं। मैंने कहा ये कैसे, हाउ कम है, वे मैं बात करने लगी हूं, बंद हो जाए। तो चलें जी नीचे चलें, चल के देखो रोहमा क्या कर रही है भांजे भांजियों के साथ, बड़ा अच्छा टाइम गुजर है माशाल्लाह से। भांजा मेरा आया हुआ है लीड से। हेलो बच्चो, क्या कर रहे हो? बाहर का मौसम चेक किया जाए, बड़ा नाइस जे मौसम माशाल्लाह, जिते इतने शुक्र है ठंड हो गई, जिस दिन हम आए ना उस दिन बड़ी गर्मी थी। तो ये देखें जी जो हैं पर्ल्स के जो हैं ओनर्स, उन्होंने हमें ये गिफ्ट, ओए फरा ने उनके घर, उन्होंने हमें घर में बुलाया था, इनवाइट किया। ये देखें एक ये है, ये भी खोल दो, खोल ले खोल ले, साड़ी ने दोनों, ये एक मेरा है और एक है जी अलीना का, और ये फ्रेश फ्लावर्स हैं, ये देखें फ्रेश वन, ये देखो रेड रोजेस। और इनका यहाँ से ना ये ड्रॉ भी खुलता है,
इसके अंदर आप कुछ रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, कुछ भी वगैरह रख सकते हैं, और इसके अंदर भी आप जब फ्लावर्स आपके निकल आए तो इसके अंदर भी आप फिर कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें, थैंक यू सो मच फरा आपका। हमने कहा कि हमने इनको खोल के तो अपने जो हैं फॉलोअर्स उनको दिखाएं, इन्हें बात मोबाइल फंसा हुआ इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे रोमा कर रही है सफाई, ये करेगी सफाई, फिर इसने हमें देना है खाना, हमें भूख लगी हुई है, हम इससे खाना मांग रहे हैं। हाँ, खाना मंगना है, सफाई करना, तो पहला सफाइयाँ करेगी, फिर सब कोई रोटी देगी खाने वास्ते। कैंडी 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 कैंडी, ये देखें जी इधर हम लोग बैठे हुए हैं, वो देखे, जाओ जाके खाना खा लो, जहीद उठो बेटे, उठ जा शबश, चल उठ जा, कबाब खाना है मामा का। रेपुटेशन इज दैट पुट मी ऑन सोशल मीडिया, ओह यो बहुत जुती। तो ये देखें जी शाम का मंजर, वो देखो सामने वाले का गार्डन कितना जबरदस्त, ये देखें। अब टाइम हो गया हमारा सोने का, मेरा दुपट्टा कौन सा, केड़ा दुपट्टा नहीं, कितना गवाच गया दुपट्टा, इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा तुम्हारा। आहो चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सुबह लेकर आइए। नहीं नहीं फिर चल रही है पागल दुपट्टा, तो यहाँ पे जी मैंने फिर खिड़की खोल दी क्योंकि तूबा को बड़ी लग रही थी गर्मी, क्योंकि मैं तूबा रबिया हम एक कमरे में ही सो रही है, मुझे नहीं था सोना अकेली को। तो आज का व्लॉग जी हम यहीं पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में, दुआओं में याद रखें, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।